लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये लोग साथ में बैठ के आज से 3 दिन के बाद जो होगा उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, और इस बात से लेडी थोर काफी एक्साइटेड थी कि उसे भी अब साशा और लुएनफी के साथ फाइट करने का मौका मिलेगा। लेकिन ड्रैगन्स फिल्म कहता है कि हमें फाइट करने का मौका तो तब मिलेगा जब उन दोनों के हाथों से कोई बचेगा। तब ये सुनिए लेडी थोर एक बहुत ही फनी सा फेस बनाती है जिस पर ये लोग अब पीते हुए कहते हैं कि खैर जो होगा सो होगा, बस 3 दिन की तो ही बात है। और अब सीन चेंज होता है और हमें साशन के पहले सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साशन और जिंगमिंग अपने कमरे में बैठ के बातें कर रहे थे, जिस पर जिंगमिंग कहती है कि मुझे यकीन है कि ये बैटल तुम ही जीतोगे। तब साशन कहता है कि चिंता मत करो, ये छोटी मोटी फाइट तो मैं बचपन से करते आ रहा हूँ, मेरे लिए ऐसी फाइट किसी एंटरटेनमेंट की तरह है। जिस पर जिंगमिंग कहती है कि जानती हूँ कि तुम पावरफुल हो लेकिन प्लीज अपना ख्याल रखना। तब साशन कहता है ठीक है, जैसी तुम्हारी आज्ञा मैं अपना ध्यान रखूंगा। और फिर साशन कहता है जिंगमिंग मुझे नहीं पता कि ये देर हो रही है या फिर जल्दी, लेकिन जैसे ये बैटल खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा, मगर उससे पहले मैं इस बारे में तुम्हारी मर्जी भी जानना चाहता हूँ। जिसे सुनकर जिंगमिंग थोड़ा सोचते हुए कहते कि लेकिन सिस्टर कैंगलेन और सिस्टर वुलिन का क्या, तुमने तो उन्हें भी शादी के लिए प्रॉमिस किया है। तब ये सुने साशन अब बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ये सब के बारे में पता है। और फिर साशन पूछता है कि आखिर तुम्हें इन सब के बारे में किसने बताया। जिस पर जिंगमिंग कहती है जब तुम यहाँ पे आ गए थे तब सिस्टर कैंगलेन और सिस्टर वुलिन मुझसे मिलने आई थी, उन दोनों ने मुझे तुम्हारे शादी के प्रॉमिस के बारे में बताया था। तो गाइस अगर आप लोग भूल गए कि कैंगलेन और वुलिन कौन है तो ये रही उनकी फोटो, एक कैंगलेन रियल्म की प्रिंसेस है तो दूसरी लेडी टाइटन है। और हमें एक क्लियर करना चाहता हूँ कि सिर्फ यही दोनों नहीं है जो साशन को पसंद करते हैं, बल्कि पूरे नौ रियल्म में और भी लड़कियां जो साशन को लाइक करती है, मगर साशन के लिए फीलिंग सिर्फ जिंगमिंग के लिए है। और अब साशन बहुत ही फनी फेस बनाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि आखिर ये सब मैंने क्यों किया था। तब जिंगमिंग हंसते हुए कहते कि सॉरी सॉरी मैं तो तुम्हें बस टीच कर रहे थे, सिस्टर कैंगलेन ने मुझे बताया था कि तुम शादी की प्रॉमिस बस सिचुएशन के हिसाब से कर देते थे, यहाँ तक उन्हें तो ये भी पता है कि तुम मुझे लाइक करते हो। और फिर जिंगमिंग अब बहुत ही ब्लस करते हुए कहते कि मैंने न जाने इस दिन के लिए कितने सालों का वेट किया, मैं तुम्हें हमेशा चाहती थी और अपनी लाइफ के अंतिम क्षण तक तुम्हें ही चाहूंगी। और ये कहकर जिंगमिंग शर्माती हुई इस कमरे से निकल जाती है। तब ये सुनकर साशन भी अब स्माइल करते हुए कहता है कि पागल लड़की भी ना। तो ऐसा आप लोगों ने ध्यान से सुना या नहीं, शादी का मुहूर्त निकल चुका है, बैटल खत्म होने के बाद होगा, इसीलिए अब समय बहुत ही कम बचा है, आप लोग अपना अपना कपड़ा लत्ता सिलवा के रेडी रखो, सबको शादी में आना है, स्वागत खुद लुएनफी करेगा। और अब सीन चेंज होता है, हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, यानी आज ही वो दिन है जिस दिन ये महासंग्राम शुरू होने वाला है। इधर उसेर पी के सुप्रीम रेडी होते हुए उन लोगों का इंतजार कर रहे थे। आज मौसम भी इतना अजीब हो रखा था कि चारों तरफ काले बादल ही छाए हुए थे, जिस पर अब थोड़ी देर में ये सुप्रीम का जमघट यहाँ पे पहुंच जाता है। इस बैटल को इन लोगों की तरफ से प्रमुख रूप से ये तीनों ही लीड कर रहे थे। और अब ये ओल्ड मास्टर कहता है कि फाइनली वो दिन आ ही गया जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ना तो यहाँ पे अब कोई फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड होगा और ना ही कोई लुएनफी। जिस पर अब इतने सारे लोगों को देखते हुए दिन सिंगलिंग कहते हैं कि आखिर मुझे ये सीन इतना देखा देखा सा क्यों लग रहा है। तब इसे बल का आदमी कहता है क्या तुम्हारी जिनू रियल में भी ऐसी फाइट हुई थी। जिस पर दिन सिंगलिंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हमारे फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड ने इतनी बड़ी सेना कहाँ से खड़ी की। तब ये सुप्रीम कहता है कि इसका मतलब तुम भी फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड के गुलाम हो। जिस पर दिन सिंगलिंग कहता है कि जवान संभाल के मैं फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड का पहला डिसाइपल हूँ, मेरे ब्लू क्लाउड सेट से इन्होंने अपनी जर्नी को दोबारा से स्टार्ट किया था। तब ये सुप्रीम कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम लॉर्ड के पहले डिसाइपल होने के बावजूद भी इतने ज्यादा वीक हो। जिसे सुने दिन सिंगलिंग बहुत ही फनी तरीके से अपने मन में कहते हैं कि लो जिनू रियल वालों की कोई इज्जत ही नहीं है। और अभी ओल्ड मास्टर कहता है फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड लुएनफी क्या हो, मेरे डर से कहाँ दुबक के बैठे हो। तब इसके इतना कहते हैं साशन और लुएनफी तुरंत ही यहाँ पे अपेयर हो जाते हैं। और इतने सुप्रीम से सामने जिस तरह से ये दोनों अपने एटीट्यूड में आके खड़े हो जाते हैं, वाकई में ये आइकॉनिक सीन हमें इस बात की याद दिलाती है कि आखिर इन्होंने पास्ट में नौ रियल्म को डोमिनेट कैसे किया होगा। जिस पर अभी ओल्ड मैन कहता है कि मैं तुम दोनों को एक आखिरी चांस देता हूँ, तुम लोग अपने डिसीजन को चेंज कर सकते हो, वरना तुम्हें और तुम्हारे लोगों को खत्म करने में हम जरा भी दया नहीं दिखाएंगे। तब लुएनफी कहता है कि वाह क्या बात है, बड़े दिनों बाद हमें किसी ने इतने कॉन्फिडेंस से धमकाया है। जिस पर ओल्ड मास्टर कहता है कि अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं होता तो फिर यहाँ पे आता ही नहीं, मैं कोई पागल नहीं हूँ जो तुम दोनों के सामने ऐसे ही चला आऊँ। और फिर ओल्ड मास्टर कहता है कि लुएनफी तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा, मेरे बुद्धा टेम्पल और वहाँ के इनोसेंट मॉन्को को आज उनका जस्टिस मिलेगा। तब लुएनफी भी अब तुरंत ही फॉर्म में आते हुए कहता है कि ओल्ड डॉन्की अगर तुम्हारे एक ही फादर है तो फिर जो अभी तुमने कहा वो करके दिखाओ। जिस पर ही ओल्ड मास्टर यहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे फॉलो करो। तब सारे सुप्रीम भी इसी ओल्ड मैन को फॉलो करते हुए इसके पीछे जाने लगते हैं, जिस पर साशन और लुएनफी भी एक दूसरे को इशारा करते हुए इन्हीं का पीछा करने लगते हैं। तब इधर ही ओल्ड मास्टर यहाँ से जाते हुए इन लोगों से कहते हैं कि जब तक ये दोनों जल्लाद एक साथ है तब तक हम इन्हें कभी भी डिफीट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए प्लान के हिसाब से अब जल्दी से अलग अलग हो जाओ। जिस पर ये सारे सुप्रीम भी ओके कहते हुए साशन और लुएनफी को अलग करने के लिए अलग अलग एरिया में जाने लगते हैं। और अब सीन चेंज होता है, हमें सुप्रीम से एक ग्रुप दिखता है जहाँ पर ये लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि आज हम लोग कोई भी गलती नहीं कर सकते। तब ये दूसरा वाला कहता है कि गलती होगी कैसे, हम लोग तो पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। जिस पर तभी सुप्रीम का कम्युनिकेशन डिवाइस बचता है जिसे देखते हुए सुप्रीम कहता है कि चलो सब कोई रेडी हो जाओ, वो लोग हमारी तरफ फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड को लेके आ रहे हैं।
तब इतना सुनते ये लोग बिल्कुल तैयार खड़े हो जाते हैं। लेकिन साशन यहाँ पे आते अपने हेवली डेंस फीस्ट के एक फॉर्म को इनके ऊपर कर देता है, जिसके लगते ये भरोसे वाले कभी यमराज द्वार पहुंच जाते इन्हें पता भी नहीं चलता। दूसरी तरफ लुएनफी के सामने भी इसी तरह के शून्य मुन्नु सुप्रीम खड़े थे, जिसे देखते हुए लुएनफी कहता है कि हेल में तुम लोगों का एडवांस में स्वागत है। और ये कहते कहते लुएनफी अपने ओरा को अपेयर कर लेता है। इसके बाद होना क्या था, लुएनफी इन सबको एक ही पंच में मृत्यु लोक में भेज देता है। और फिर इन सबको क्लियर करते हुए लुएनफी पलक झपकते बुद्धा सेट के इस ओल्ड मास्टर के पास चला आता है। तभी ओल्ड मास्टर कहता है तुमने तो मुझे काफी जल्दी ढूंढ लिया, जिस पर लुएनफी कहता है कि मेरे बड़े भाई का एक डायलॉग है, भला आज तक कोई अपनी मौत से बच पाया है। तभी ओल्ड मास्टर मंत्रों को पढ़ते हुए अपने सामने के स्पेल को क्रिएट कर लेते हैं, जिस पर लुएनफी बिना कुछ सोचे समझे सीधे इस स्पेल में अटैक कर देता है। तभी धमाका होता है, हम देखते कि ओल्ड मैन तो बिल्कुल सही था, लेकिन लुएनफी इसके स्पेल में बुरी तरीके से फंस चुका था। तभी ओल्ड मास्टर कहता है कि यही मौका है, सब लोग एक साथ लुएनफी पे अटैक करो, जिस पर यहाँ पे मौजूद सुप्रीम अपने इमोर्टल लेवल पावर से यूज करते हुए लुएनफी के ऊपर अपने अपने अटैक को कर देते हैं। तभी तो सारे पावरफुल अटैक से एक साथ लगने की वजह से यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, और इस धमाके में लुएनफी इसके दर से खत्म होता है कि उसका बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब ये देखकर ओल्ड सुप्रीम खुशी के मारे अब चिल्लाते हुए कहता है कि फाइनली हमने लुएनफी को खत्म कर दिया, एक जल्लाद मारा गया, अब दूसरे की बारी है। जिस पर अब इतना कहता है ओल्ड सुप्रीम भी अपने इमोर्टल लम के पावर्स का यूज करने लगता है। तब इसे ऐसा करते हम देखते हैं कि इसके पीछे इसका पावरफुल मार्शल सोल अपेयर हो जाता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो एजलेंट भी मारा गया, क्या इससे आप लोगों को बुरा लग रहा है? मैं जानता हूँ कि आप लोगों का जवाब क्या है, इसलिए कमेंट में बस लोकी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि शादी ब्याह भी नजदीक आ रहा है, इसलिए अपने अपने कपड़े सिलवा के रखना।